हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ एक बेल नोटिफिकेशन है उसको हिट कर देना। मैं दिन में 3 से 4 वीडियोज़ डालती हूँ, उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर हिट करना है, तभी आप लोगों को अपडेट मिल पाएगी। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं, मुझे भी पर्सनली कमेंट आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स भी इस बात को और इस फुटेज को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि पायल बिग बॉस के हाउस में इतनी इमोशनल क्यों दिख रही है। अभी तक पायल ने कम से कम 2 से 3 बार अपनी स्टोरी बिग बॉस हाउस के अंदर सुना दी है, लेकिन अपनी हर स्टोरी पे वो इतनी इमोशनल हमें कभी भी व्लॉगिंग में नहीं दिखी। व्लॉग्स में उसके अंदर हमेशा ही कॉन्फिडेंस रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी शादी की पूरी स्टोरी सुनाई है, उस स्टोरी में हार्डली हमने कभी देखा है कि पायल इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट भी हमने देखे हैं जहाँ पर पायल को इतना इमोशनल होता हुआ नहीं देखा, जितना हमने बिग बॉस की एंट्री के टाइम ही पायल को देख लिया था। जिस दिन बिग बॉस की एंट्री थी, स्टेज पे भी पायल के इमोशंस निकले थे, जहाँ पे लोगों ने क्लैपिंग करते हुए माहौल को ठंडा करना तो चाहा था, लेकिन उसके काउंटर में पायल ने तुरंत बोला कि इस वक्त आप लोगों को ये बात सुन के हंसी आ रही है, लेकिन उस वक्त मेरी जो स्थिति थी वो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो बहुत सारे लोगों को इन लोगों की तिगड़ी देख के बहुत कूल लगता होगा कि वाओ आज कितना हैपनिंग है, कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन इस लाइफ के पीछे जो कॉम्प्रोमाइज़ है और इस लाइफ के पीछे जो दुख है, जो ये पिछले दिनों भोग चुके हैं, उस दुख की भी कोई भी सीमा नहीं है। और शायद यही रीज़न है कि बार बार अपनी स्टोरी सुनाते हुए पायल का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। बहुत बार पायल को इस बात से जज भी किया जाता है कि कैसी बीवी है जिसने अपने पति की दूसरी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत बार उसको जज भी किया गया। कई बार कृतिका और पायल के फैंडम्स में भी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन पायल ने हमेशा कृतिका को सपोर्ट किया, क्योंकि बीते दिनों इन लोगों के बीच में जो भी कुछ हुआ था उससे ये लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। अब किस्मत ने जो इनके साथ लिखना था वो लिख दिया है, लेकिन अब इन्होंने खुद से आपस में ये प्रॉमिस कर लिया है कि जो हम पिछले दिनों भुगत चुके हैं वो हम वापस से अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में दोबारा आने नहीं देंगे। सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिन वजह से इनकी शादी हुई, जिस शादी से डेफिनेटली पायल को बुरा तो लगा था। आज शायद वो बताती है ये बातें, लेकिन फिर भी जो इमोशंस उसके बिग बॉस के हाउस में दिखे वो एक जेन्युइन इमोशंस थे। अभी भी कल की लाइव फीड में मैं देख रही थी कि पायल से फिर से वो सवाल पूछा गया और बहुत सारे सवाल हाउसमेट्स ने पायल से पूछे, जिसका जवाब देते हुए पायल कुर्सी पे बैठे हुए पहले तो कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ बता रही थी। उसके बाद उससे जब सवाल पूछे कि आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, क्या आपको बुरा नहीं लगा कि आपकी फ्रेंड के साथ ये सब हो गया, तो उसने यही बताया कि इन्होंने जब मुझे बताया मुझे लगा सब कुछ मजाक में है, उसके बाद सडनली मुझे बोला कि तेरे लिए एक सरप्राइज है। और मुझे इनके सरप्राइज हमेशा से समझ में आते थे। मैंने बोला अच्छा कि तुमने शादी कर ली है, तो ये चीज़ें पायल को भी नहीं पता थी कि अरमान ने कृतिका के साथ शादी कर ली है, जो कि एक कोर्ट मैरिज थी, जो आई थिंक कृतिका के पेरेंट्स को भी नहीं पता थी। उसके बाद जब इन लोगों का अरेंज मैरिज हुई, यानी कि रीति रिवाज के साथ अरेंज मैरिज हुई, उस वक्त पायल को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने किस चीज़ के लिए हामी भर दी, मैं ये क्या कर रही हूँ। और जिस वक्त उसे ये रियलाइज़ हुआ, वो वहीं से ना उसने फेरे देखे ना उसने कुछ देखा, उसने चीकू को उठाया और वहाँ से चली गई। तो डेफिनेटली इंसान वो भी है, फीलिंग्स उसके अंदर भी है। दुनिया की कोई भी औरत अपनी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो भी कोई मिट्टी की या पत्थर की नहीं बनी थी कि उसके लिए ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना आसान था। वो अलग बात है कि व्लॉगिंग में उन लोगों ने कभी भी ये चीज़ें नहीं दिखाई। रीज़न बिहाइंड कि अगर आज भी वो अपना रोना लेके बैठे रहेंगे तो शायद लोग उनकी प्रेजेंट लाइफ को भी जज करना शुरू कर देंगे कि लगता है ये बहुत दुखी है। दुख उसको उस समय हुआ होगा, लेकिन आज उससे दुख से बढ़कर उसको आज खुशी है, क्योंकि इन लोगों की बॉन्डिंग आपस में स्ट्रांग है। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती और अगर अरमान दोनों को बैलेंस करके नहीं चलता, तो पायल के लिए ज़िंदगी जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ये ज़िंदगी जीना उसको मुश्किल तभी लग गया था जिन दिनों वो अरमान को छोड़ के चली गई थी। 1 साल के आसपास पायल अरमान को छोड़ के चली गई थी, और इस बीच कृतिका ने भी अरमान को छोड़ा था। जिस वक्त अरमान वायरल हुए थे, आज भी उनकी वो वीडियो देख रही हूँ मैं कि अब क्योंकि वो बीबी में चले गए तो उनकी वो पुरानी वीडियोज़ बहुत सारे मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, लेकिन हमको इस बारे में ऑलरेडी पता है।
क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं रिएक्शन दे रही हूँ इस फैमिली के ऊपर, तो मुझे फैमिली की बहुत सारी चीज़ें पता है। तो जिन वीडियो की वजह से अरमान को एक तरीके से जो वायरल हुए थे वो वही वीडियो थी जिससे मैं दोनों ही इन्हें छोड़ के चले गए थे। तो अरमान ने एक वीडियो डाली थी जिसमें अरमान मरने जा रहे थे और बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। इस वीडियो को देखने के बाद पायल भी वापस आई थी, और जब पायल वापस आई थी तो फिर कृतिका भी वापस आई, और उसके बाद से इन तीनों ने आपस में प्रॉमिस कर लिया था कि अब हम एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो मजाक मजाक में पायल का बोला हुआ हाँ कहीं ना कहीं उसको भारी पड़ा, और उन लोगों ने वो चीज़ें सफ़र भी करी बीते दिनों, लेकिन अब उन चीज़ों से वो लोग ओवरकम हो चुके हैं। लेकिन आज भी, क्योंकि पायल से लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि पायल बीवी थी उस समय पे, हालांकि अरमान की पायल से पहले भी शादी हो चुकी है, ये भी अब बीते दिनों बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अगेन बोला कि मेरी ऑडियंस को ऑलरेडी ये पता है, मैं बहुत पहले से रिएक्शन दे रही हूँ, जिसके बारे में कृतिका पायल ने भी अपने व्लॉग में बताया है कि अरमान की इससे पहले भी जो शादी हुई थी वो पेरेंट्स ने पसंद करा हुआ था, और वो शादी में उनके साथ ज़्यादा रहे ही नहीं थे, आपस में ना बनती थी ना निपती थी, ना एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि वो पेरेंट्स के मंजूरी से सब चीज़ें हो रखी थी और बचपन में ही कोई रिश्ता तय हो रखा था। आप जानते ही हैं कि हरियाणा वरियाणा साइड ज़्यादातर बचपन में ही ज़ुबानी जो है रिश्ते पक्के हो जाते हैं, तो वही था जो रिलेशनशिप ज़्यादा आगे चला नहीं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहाँ से वो सेपरेट हो गए। उन्होंने प्रॉपर डाइवोर्स वगैरह दे के जो भी फुल एंड फाइनल था वो सब कुछ दिया। अब ये बातें सारी हमने पायल के मुँह से सुनी है, अब लोग इस पर भी बहुत सारी कहानियाँ भी बताते हैं कि वहाँ से इनके जो बच्चे हैं उन्हें ये देखते नहीं हैं, लेकिन ना ही कभी कैमरे के आगे इनका पास्ट रिश्ता आया है, ना ही कोई पास्ट रिलेशनशिप आई है, ना ही उन्होंने आके ऐसा कुछ बताया है। तो जब तक सामने वाला जिस पे गुजर रही है वो आके कोई स्टेटमेंट नहीं देता, तब तक हमें सुनी सुनाई इधर उधर की बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। तो पायल ने जब कल ये सारी कहानी वापस से बिग बॉस में सुनाई तो पायल वहाँ पर रोने लगी, तो अरमान ने उनको चुप कराया, और पायल ने बताया भी कि आज भी जब मैं उस बारे में सोचती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ के चली गई थी, और वो दौर, वो जो एक साल निकला, वो एक साल बहुत डिफ़िकल्ट था एक दूसरे के बिना, तो वो चीज़ें सोच के मुझे आज भी रोना आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पायल जो इमोशंस अपने व्लॉग में छुपाती आ रही है पिछले काफ़ी टाइम से, वो इमोशंस उसके अब बिग बॉस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कि पायल बहुत ज़्यादा, जो एक्सप्लेन किया था अरमान ने उनका नेचर, वो बिल्कुल वैसी है कि अगर उसे कोई बंदे के साथ उसकी वाइफ मैच नहीं होगी तो वो उससे बात भी नहीं करेगी, उसके इतना क्लोज भी नहीं आएगी, और एक मैच्योर ही दिख रहा है उसका, जबकि व्लॉग में कृतिका से ज़्यादा पायल फनी दिखती है, कृतिका से ज़्यादा पायल एक्टिव दिखती है। लेकिन बिग बॉस हाउस के अंदर कहीं ना कहीं पायल बहुत डाउन साउंड कर रही है, और जिस तरीके से लोग उन्हें रोज़ टारगेट कर रहे हैं, उन तीनों को ही टारगेट कर रहे हैं, घर के अंदर भी वो टारगेट हो रहे हैं और घर के बाहर भी वो टारगेट हो रहे हैं, घर के बाहर भी बहुत तरीके के चैनल्स जो हैं वो इस चीज़ से नाराज़ है कि कैसे बिग बॉस ने इन लोगों को बिग बॉस के घर में एंट्री दे दी। तो अगर बिग बॉस ने एंट्री दी है तो वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दी है, और बिग बॉस को भी उनसे TRP चाहिए, और बिग बॉस का इतिहास गवाह है कि बिग बॉस हमेशा ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल पार्टिसिपेंट्स को ही TRP के लिए घर के अंदर लेके आते हैं। तो फिलहाल इनके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप है वो नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड भी है, और ऐसी भी है जो हम कभी भी समाज में नहीं बोलना चाहेंगे कि आप भी ये चीज़ें करें। लेकिन अब जो चीज़ हो गई है, मुझे लगता है कि अगर बार बार उन चीज़ों को कुरेदा जाएगा, उन चीज़ों को बोल बोल के, तो उन लोगों का रिलेशनशिप आपस में डिस्टर्ब होगा। आप ये भी देखिए कि अगर उस बंदे से जो भी चीज़ें हुई, गलती हुई, सलती हुई, जाने अनजाने, पर्पस लिए, जिस भी इंटेंशन से हुई, लेकिन आज की डेट में वो अपनी दोनों बीवियों की जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभा रहे हैं, ना ही वो पायल को कोई कमी होने देते हैं, ना ही वो कृतिका को कोई कमी होने देते हैं, और कृतिका और पायल का बॉन्ड जो स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वही रीज़न है। अब हमें देखते हुए बिग बॉस में भी एक हफ्ता हो चुका है, 24/7 लाइव चल रही है, लेकिन एक बार भी बिग बॉस की क्लिप में हमें ये नहीं दिखा कि कृतिका और पायल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे से अनकंफर्टेबल हैं। हालांकि बाहर से सबको डिसाइड करके ये लोग गए हैं कि हम लोग अपना इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, अलग अलग गेम खेलेंगे, लेकिन अगर किसी के अंदर कोई फेकनेस होगी तो देखो 10 दिन में वो बाहर आ जाती है, अगर 10 दिन में नहीं आई तो वो आने वाले टाइम पर बाहर आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इतनी इनिशियल टाइम पर ही एकदम से जजमेंट पास करना थोड़ा सा हरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग भी इसीलिए ही खुश थे क्योंकि हमने भी अभी तक की एडिटेड
व्लॉग्स देखे हैं और बिग बॉस एडिटिंग के साथ साथ लाइव शो भी है, तो वहाँ पे अगर कुछ भी इन लोगों का स्क्रिप्ट होगा या वाकई में पायल के साथ बुरा होता होगा या कृतिका के साथ बुरा होता होगा या दोनों की लड़ती होगी तो वो हमें आने वाले टाइम पे बहुत आसानी से दिख जाएगी। लेकिन उसके लिए इन लोगों का वहाँ पे टिकना ज़रूरी है। टिकेगा नहीं तो आप लोग एक्सपोज वाली बात कर रहे हो, तो एक्सपोज तो इंसान तभी होगा जो वो इंसान वहाँ पर टिकेगा, वरना अभी तो वो टिके हैं और अभी ठीक ठाक चल रहा है। आने वाले टाइम पे हमें और रियलिटी पता चलेगी, जैसे कि अब हमें पायल का पता चला है कि पायल को तकलीफ़ होती है, उसको दर्द होता है। आज भी उससे उसका कोई पास रिलेशन या पास एक्सपीरियंस पूछ लेता है कि अरमान की शादी से वो इतना कूल और इतना ओके क्यों थी, तो आज भी वो रोती है। इसका मतलब उसको तकलीफ़ तब भी थी, उसको तकलीफ़ अब भी है और शायद उसको तकलीफ़ ज़िंदगी भर इस चीज़ की रहेगी। लेकिन क्योंकि तकलीफ़ को कम करने के लिए अरमान मलहम का काम कर देते हैं कि उसको कमी नहीं होने देते, इसीलिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि वो पायल को प्रायोरिटी देते हैं। और यही स्टेज पर पायल ने बताया भी था बिग बॉस के स्टेज पे ही कि अपनी मम्मी पापा के बाद ये मुझे रखते हैं, इनफैक्ट उनसे ऊपर ये मुझे रखते हैं। घर के सारे डिसीजन मेकिंग पायल की रहती है यही, क्योंकि उस लड़की ने कॉम्प्रोमाइज़ तो किया है जो कि कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं कर पाती, उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और शायद इसी कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा है कि उसको घर में रिस्पॉन्सिबल और प्रायोरिटी मिलती है जो कि मिलनी भी चाहिए। कमी कृतिका के लिए भी कोई नहीं और कृतिका भी पायल की रिस्पेक्ट करती है। तो ये इन तीनों का अभी फ़िलहाल सीन चल रहा है। पायल का धीरे धीरे इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। पायल को अभी तक सब झगड़ालू या बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते थे, लेकिन पायल मुझे अब बिग बॉस के अंदर काफ़ी सॉफ्ट नज़र आ रही है कि वो सॉफ्ट नहीं है। इनफैक्ट दोनों की दोनों इतनी दयालु हैं, घर के लोगों से इतने प्यार से बात कर रही हैं, खाना इतने प्यार से खिला रही हैं, काम इतने अच्छे से कर रही हैं। मतलब मैं तो लग रहा था कि बिग बॉस के घर के अंदर जाती पायल की तो डेफिनेटली लड़ाई होगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पायल की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे अरमान मलिक जी भिड़ रहे हैं। खैर, अरमान मलिक के भिड़ने के ऊपर मैं एक नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आऊँगी। तब तक जरूरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं आपको लाइव फीड की बिल्कुल करंट और लेटेस्ट अपडेट देती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।